प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय अररिया से। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी में हिंदी पाठ्यपुस्तक रिज्यूम में दिया गया एक कविता सर्दी आई को सस्वर वाचन करेंगे। कविता है सर्दी आई। सर्दी आई, सर्दी आई, ठंड के पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अपने घर में सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए सर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों ये थी कविता। इस कविता के लेखक हैं सफदर हाशमी। प्यारे बच्चों इस कविता में कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। आप यहाँ देखिए एक शब्द आया है सर्दी और वर्दी। सर्दी यानी जाड़ा या ठंड जिसे हम कहते हैं, और अगला शब्द है वर्दी। वर्दी यानी वस्त्र। आप वकील, पुलिस या जो आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो TC होता है, उसको भी आप उनके वर्दी से पहचान लेते हैं। ठीक इसी तरह जाड़े को भी हम ओस, कुहासा या धुंध से पहचान लेते हैं कि हाँ जाड़े का मौसम है। यहाँ एक और शब्द आता है सबने लादे। यहाँ देखिए लादे है, लादे अर्थात लादना या बोझना। शरीर के ऊपर आप लोग देखते हैं जब सर्दी आती है तो हम कपड़े के ऊपर कपड़ा और स्वेटर और जैकेट, न जाने क्या क्या हम लोग अपने शरीर पर लाद लेते हैं। एक शब्द है यहाँ पर सिकुड़ी यानी सिकुड़ना। आप जानते हैं कि ठंड के समय में हम लोग सिकुड़ने लगते हैं, अपने शरीर को एकदम से एकत्र करने लगते हैं ताकि हमें ठंड कम लगे। यहाँ हमारे सामने एक और शब्द है बिस्तर यानी बिछावना, वह जिस पर हम लोग सोते हैं उसे बिस्तर कहते हैं। बच्चों एक शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है सर, इसका मतलब होता है सिर यानी हमारा जो माथा है उसे हम लोग सिर कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और शब्द आता है जर्दी, अंडे की जर्दी। यदि जिस बच्चे ने अंडा देखा हो और उबला हुआ अंडा देखा हो या टूटा हुआ अंडा देखा हो, तो उसके बीच में एक पीला पदार्थ होता है जो उबालने पर सख्त हो जाता है, परंतु यहाँ पर जर्दी जम जाती है। इसका मतलब है कि अंडे की जर्दी जो है वो ठंड की वजह से जम जाती है, यानी वो जो जर्दी है वो अंडे के बीज का पीला पदार्थ जो होता है उसे जर्दी कहा जाता है। यहाँ एक और शब्द आया है बेदर्दी यानी कठोर अथवा बेरहम, निर्दय। यानी जाड़ा जो मौसम है वो बहुत बेदर्दी है, बहुत कठोर है, वो किसी को नहीं देखता, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो दुबले हों, चाहे वो तगड़े हों, सबको ही जाड़ा लगता है। ओहो जाड़ा का तो अर्थ हमने बताया ही नहीं। जाड़ा यानी ठंड या सर्दी, ये सब एक दूसरे के समानार्थक हैं। यहाँ आप देखिए जो स्वेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, और जाड़े के मौसम में, सर्दी के मौसम में इसे पहनकर अपने आप को सर्दी से बचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह स्वेटर है जो हम लोग
जाड़े के मौसम में पहनकर अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं जिनको जाड़े के मौसम में पहना जाता है ठंड से बचने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। आप इस वीडियो को देखिए, इस कविता को सस्वर इसका वाचन कीजिए और मज़े कीजिए। धन्यवाद।